और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा है। 17 फरवरी को उन्हें पेश होने का आदेश दिया गया है। पांचवा समन ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को दिया जा चुका था, लेकिन तभी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ बातें कोर्ट की तरफ से कही गई? सीखा, ईडी ने इस पूरे मामले पर राहुल जब ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ईडी का कहना था कि इस पूरे केस में 5 समन जो है वो भेजा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी केजरीवाल बार बार समन को इग्नोर करते हुए और ईडी के सामने कभी भी पेश नहीं हुए। ऐसे में एक शिकायत जो है वो ईडी ने राहुल जब ने कोर्ट में दी थी, उसी शिकायत पर राहुल जब ने कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले आदेश दिया है। उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को समन भेजा है और 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। 17 फरवरी को व्यक्तिगत तौर पर राहुल जबनी कोर्ट में केजरीवाल को पेश होना होगा और कोर्ट को बताना होगा कि आखिरकार वो ईडी के समन के बावजूद भी ईडी के सामने आखिरकार क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, क्योंकि शराब घोटाले मामले में ईडी इस मामले में जांच कर रही है और इसी सिलसिले में समन 5 समन जो है ईडी ने भेजा था, लेकिन किसी भी समन में केजरीवाल जो है ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके चलते ईडी ने कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले आदेश दिया है। तो निश्चित तौर पर अब अगली सुनवाई जो है 17 फरवरी को होगी, जहां व्यक्तिगत तौर पर केजरीवाल को पेश होना होगा और बताना होगा कोर्ट को कि आखिरकार वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। और हो सकता है कि जी, बहुत बहुत शुक्रिया।